हेलो, हाय, नमस्ते। और पहला उत्तराखंड। तो यार, मैं अभी बड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको छोड़ा नहीं था, रास्ता तैयार कर दिया था अरुणाचल प्रदेश के लिए। यानी कि क्लास 3 के बाद में, 4th में, जब मैं हॉस्टल जा रहा था अरुणाचल प्रदेश, और अलोंग जगह का नाम 11 आसाम राइफल्स का हेडक्वार्टर, तब मैं बात कर रहा हूँ 1989 और 90 की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब हम गए वहाँ पर, कहाँ, अरुणाचल जा रहा था, हॉस्टल में रहना था, वहाँ गया। तो हॉस्टल जाने के लिए मोहनबाड़ी से, डिब्रूगढ़ से स्टीमर चलता था, ब्रह्मपुत्र क्रॉस करते थे। 2.5-3 घंटे लगते थे हमें स्टीमर के ऊपर, यानी कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर चलते थे। और उसी में पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस होता कि सब कुछ पानी में है। पहले देखते थे, छोटे थे, देखते थे, और उसके बाद में पार जाने के बाद लेखा पानी, वहाँ पर ट्रांजिट कैंप आसाम राइफल्स का, वहाँ रुकते थे। और रात को फिर वहाँ से नाइट सुपर चलती थी अलोंग के लिए अरुणाचल, पूरी नाइट की जर्नी स्लीपर, और जाके पहुँचते थे हम अलोंग। अब भाई वहाँ गए, वहाँ था हॉस्टल। अब हॉस्टल की लाइफ तो आपको पता ही है, सीनियर्स, भैया लोग, और वहाँ सीनियर मतलब सीनियर, और वार्डन मतलब वार्डन, भाई गजब। क्योंकि मिलिट्री, यानी कि पैरामिलिट्री का, आसाम राइफल्स का हॉस्टल था, तो आप समझ सकते हैं। तो फिर उसके बाद में चाचा जी ऊपर, यानी कि वो अपने कैम्प में, बैरेक्स में, और मैं नीचे हॉस्टल में। हॉस्टल नया नया शिफ्ट हुआ था, तो बहुत सारे काम हम लोग करते थे। सारा तैयार करना, क्यारियाँ तैयार करना, फूलों की, वार्डन हुआ करते थे उस टाइम में, थेप सिंह सर भी रहे काफ़ी टाइम तक। और उसके बाद खूब, सामने एक लड़का था, भी बहुत बड़ा हो गया होगा, विकी अंकल का क्वार्टर बिल्कुल सामने था, तो वहाँ से संतरे भी क्रॉस होते थे। वो सारे किस्से याद हैं हमें। और जो हॉस्टल था वो बिल्कुल स्कूल के साथ में था, DL1 इंग्लिश मीडियम स्कूल आसाम राइफल्स, तो वो था वहाँ पर, वो पाकम का गांव। वहाँ जाके जब 4th में गए, तो बड़े बड़े बहुत किस्से हैं वहाँ के। तो वहाँ थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, मैं बड़ा हो रहा था इन द सेंस कि हॉस्टल में थे, माहौल अलग था, अरुणाचल में था। वो कहते हैं ना कि वेस्टर्न कल्चर टाइप, या इस तरह से कुछ भी कहिए आप, लेकिन बहुत मज़ेदार लोग थे, बहुत मज़ेदार लोग। और वहाँ जो सबसे मेरा जिगरी यार और जिगरी दोस्त बना, वो आदि, वहाँ की जो ट्राइब है उसमें। और हम लोग जाते थे पिकनिक विकनिक, तो मोपे लॉय, मोपे लॉय अभी CMO है, पहले पासीघाट में था, अभी भी अरुणाचल में ही है वो। मोपे लॉय मेरा बेस्ट फ्रेंड, अभी CMO है, डॉक्टर है। और जाते थे हम उसके घर में, तो वही बैम्बू में पका हुआ भात, वो चावल मिलते थे वहीं के। और एक जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड और मेरी मुँह बोले सिस्टर कह लीजिए, जय यादव जी, हम लोग क्लासमेट्स थे, वो पाकम में ही रहती थी, वो भी अभी एडवोकेट है ईटानगर में, ईटानगर हाई कोर्ट में। तो ये सारे मतलब याद हैं। और उसके बाद याद है मतलब सभी लोग याद हैं होने को। तो फिर हॉस्टल की वो क्राउड, चाहे वो जीते भैया जिनको मैलकम मार्शल कहते थे हम, रॉबिन भैया हो एकदम सीरियस, है ना, फिर चाहे वो प्रेम भैया हो कमेडियन, और आज एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल आदमी, और मेरा जो अपना जिगरी यार और मेरा सबसे अच्छा दोस्त सुने गुरु, अभी आसाम राइफल्स में ही है। और ये सारे थे वहाँ पे। उसके बाद कुछ टाइम के लिए हमको तिवारी अंकल मिले, सब मिले हमसे, तिवारी जो अभी देहरादून में ही हैं। अभी भी जब मैं उनसे मिला, तब पढ़ाते भी थे वो वहाँ पे, और अब जब मिलते हैं तो बड़ा अलग सा लगता है, अलग सा माहौल होता है। ये सारे जब वहाँ पर थे। और उसके बाद में हम लोग, क्योंकि हॉस्टल में रहते थे, तो हमेशा रहता था यार कोई तो घर में बुलाए कुछ हो। तो वहाँ पे एक थी नंदी दीदी, नंदी दीदी जो कि मेरे से 1 क्लास सीनियर थी, हरीश भैया, हरीश कार्की भैया, जिनकी मैं बोल रहा था कि मिसाल दिया करते थे जब हम मोहनबाड़ी में थे, अब उनके साथ में था मैं, और अब वो पिथौरागढ़ में है। और हरीश कार्की भैया की क्लासमेट नंदी दीदी, और साथ में फिर वहाँ से जैसे ही नंदी दीदी की जो छोटी बहन थी वो मेरे साथ थी, इंदु, मेरी क्लासमेट, इंदु क्लासमेट मेरी और बड़ी अच्छी दोस्त। और हम लोग फिर जाते थे वहाँ पे, फिर चाहे वो हेमानंद हो,
अच्छा लंबा चौड़ा अब यहीं है देहरादून में ही, तो ये सारे उस टाइम में मिले। लेकिन जो सबसे गजब चीज़ें, जो किस्से थे, वो ऐसा होता था कि वेडनेसडे को हमारे वहाँ सिविल ड्रेस होती थी, तो उस दिन हमें परमिट होती थी कि हम कुछ भी अपना पहन के आ जाएं, तो कहते थे कि सिविल ड्रेस है। वहाँ पर जब हम सिविल ड्रेस पहन के आते थे, तो उस टाइम में बैगी, आमिर खान, अगर याद है आपको आमिर खान की दिल और ये सब मूवीज आती थी, और माधुरी दीक्षित के वो करली हेयर आगे से, वो सब चीज़ें, उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो था। और सब लोग एक दूसरे को छेड़ते थे, देखते थे, जानते थे। तो वहाँ से जैसे ही हम लोग जब पढ़ने लगे या क्लास 4th में, तब से ही मतलब ऐसे बैगी पैंट पहनते थे हम लोग, बैगी स्वेटर भी ऐसी होती थी साइड से, और पैंट नीचे मोहरी छोटी और चौड़ी वाली। तो मेरी क्लासमेट थी एक, परसे आती थी, बहुत अच्छी दोस्त, उसकी बड़ी बहन, दोनों ही क्लासमेट थे वो, मीना राय, मीना राय और गीता राय, ये दोनों वहाँ पर थे। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो पैंट है सेम पैंट हम दोनों के, एक ही कलर और एक ही उससे कपड़े पहन के, एक दिन हम पहुँच गए वेडनेसडे। क्या था फिर, तो दोस्तों को मिल जाता है मसाला और दोस्त शुरू हो गए भाई, दोनों को छेड़ना शुरू कर दिया, और इस तरह से काफ़ी चीज़ें चलती थी, समझ गए होंगे आप। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रू होने की अपने आप से। ये सारे बड़ा अच्छा हुआ था। अब मीना वहाँ है, मैं बहुत टाइम बाद कांटेक्ट हुआ फिर फेसबुक से, तो अभी उसकी फैमिली, भी उसकी बेटी से ग्रेजुएशन कर रही है, बेटी बेटा बहुत बड़े बड़े हैं, तो अभी वो है वहाँ आपका क्या बोलते हैं नेपाल में। ये सारे फ्रेंड्स, और उसके बाद में अब भी सबसे कांटेक्ट हैं, सब चलते हैं। लेकिन एक भैया थे वहाँ पर, राजेंद्र भैया, राजेंद्र सिंह बिष्ट, अभी CISF में हैं या BSF में हैं वो। तो एक बार क्या हुआ, मुझे जब मैं जा रहा था सुबह, हम लोग कपड़े देते थे और उसके बाद सुबह लेने के लिए जाते थे, मुझे एक घड़ी मिली, एक रिस्ट वॉच मिली टाइटन की, तब टाइटन की थी। और भैया ऊपर रहते थे, मैं उनको दिखाया, मैंने कहा भैया क्या, भैया ये मिला है मुझे, तो घड़ी मिली है, बोला क्या करेगा तू इससे, देख तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो इसको बेच के कुछ पैसे मिल जाएंगे, या तो नीचे अभी परेड चल रही, PT चल रही होगी, तू जाके इसको SM साहब को दे दे। तो मैं वापस जब जा रहा था, SM साहब को दे दिया, उसके बाद में मुझे उससे ऑनेस्ट बॉय का अवार्ड भी मिला था दुर्गा पूजा में। लेकिन कई भैया लोग थे जो बोलते थे, जब मैंने उनको बताया तो बोला, पहले तो बोलते थे झूठ बोल रहे, तो बोला बोला भाई पागल है तू, बेचता उसे पैसे मिलते, मौज करते। तो ये सबकी सोच अलग अलग है ना। और प्रेम भैया, प्रेम गुरुंग, एक ऐसे ऑलराउंडर थे जो हर गेम में खेलते थे, और कॉमेडियन थे नंबर एक के, जबरदस्त थे वो, ये सब चलता था। फिर काफ़ी लोग मिलते रहे वहाँ पे, सब लोग मिले। फिर ऊपर एक दुकान थी जहाँ से हम चाय के ग्लास छोटे छोटे मिलते थे, और चाय पीते पीते हॉस्टल जाना, वो एक टसन रहती थी शाम को, वेट कैंटीन जो बोलते, लेके आते थे, ऐसे डाला जेब में, चाय ऐसे पकड़ के रखी, अंकल को पैसे वैसे दे और आ गए। लेकिन इतना ज़रूर था कि जब वापस जाते थे अगली बार, तो वो ग्लास वहीं रख के आते थे, कि रास्ते में चलते हुए पीना है ना, वो वाला शौक था। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं वहाँ के, तो क्योंकि जो मैंने 4th 5th 6th वहाँ पे जो काटे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है हॉस्टल के। सैटरडे की शाम को, यानी कि दोपहर को, वो हॉकी स्टिक से गोल्फ खेलना या फिर मार्बल खेलना, और उसमें बैट लगाना, चने और हलवे की, चना और हलवा मिलता था संडे को, तो उसकी बैट लगती थी कि चल मेरा चना हलवा तेरा, ये तेरा ये मेरा, ऐसे करके जो जीता उसका, ये चलता था। फिर उस टाइम में थिएटर तो होते नहीं थे, उस टाइम में वहाँ चलता था टाट वाट लगा के, पाकम में वीडियो हॉल बोलते थे उसे, तो VCR और VCP में कैसे डाल के दिखाते थे, तो मूवी देखते थे। एक बार क्या हुआ, वो बड़ा ज़बरदस्त है, एक बार हम भाग गए, वो सब चले गए, भैया लोग इधर से आ रहे, वो बोल रहे आ जाओ इधर से आ रहे, और भैया वापस आए तो पकड़ लिया हमको, हम देख के आए थे हम। उसके बाद जो हुआ हमारे साथ, वार्डन साहब ने जो किया, आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। और भैया लोग बड़े गजब थे, जो रामाकृष्ण मिशन स्कूल में पढ़ते थे भैया लोग, हमें बैठाएंगे पहले बेंच में, मैस में जब खाना खाते थे, बोलो थोड़ा राइट हो थोड़ा लेफ्ट हो, अब बेंच हो गई साफ, हमें समझ में नहीं आता था, हम उसके बाद बोलते थे चलो उठ जा भाई मैं बैठ लेता हूँ, सीनियर हूँ ना। ऐसा ऐसा बहुत चलता था वहाँ पे। और
वो भूत की कहानियाँ और डराना एक दूसरे को, फिर वही जोश में, फिर फुटबॉल मैचेस बहुत खेले लोकल वालों के साथ में, लोकल जो वहाँ के थे, और मच्छी पकड़ने जाना। अरुणाचल में एक लड़की थी हमारी, मेरी क्लासमेट, मेरी फ्रेंड जुमलिक लोलेन, वो इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी ज़बरदस्त थी वो, मतलब ऑलराउंडर। उसके गांव वाले भी उसे लेने आते थे खेलने के लिए, वॉलीबॉल होगा या फिर कभी शॉट पर इस तरह का एथलेटिक्स होगा, उसके लिए भी लेने आते थे उसे। वो बहुत ज़बरदस्त थी, अच्छी खासी हाइट उस टाइम में भी। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करने को मिले, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सारी चीज़ें जितने भी गेम थे, रैकेट गेम्स और ये सब, वो सारे वहीं पे सीखे मैंने। चाहे वो प्रेम भैया हो, राजेंद्र भैया हो, सुने हो, तो ये सारी चीज़ें सब वहीं पे। फिर बहुत सारे ऐसे सीनियर्स थे जो लोकल थे, मार्देश हो रहे, उसके बाद जब कभी बातें होती हैं अब भी अरुणाचल की, अलोंग की, तो सारी बातें याद। नंदी दीदी ने खूब खीर और पूरी खूब खाई है वहाँ जाके, तो अभी दिल्ली में है, तो सारी चीज़ें याद है। बहुत मज़ा आता था, बहुत बहुत अलग तरीके का एक वो माहौल था वहाँ पर, अलग तरीके से हम लोग रहते थे क्योंकि छोटे ही थे तब, लेकिन तब से वो मन की बातें शुरू हो गई थी भाई तब से। तो जैसे मैंने बताया कि छेड़ने लग गए थे, एक दूसरे को छेड़ते थे नाम लेके या कैसे भी, तो लेकिन वो एक एक अलग चीज़ था, अलग वो था, बहुत हेल्दी रिलेशन्स हुआ करते थे। और तब वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे और बहुत सारे भैया लोग जो हमेशा याद रह जाते हैं, और बहुत सारे किस्से हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं। खड़कू भैया थे वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें चीज़ें तीर्थे हो गया चाहे कोई भी हो गया, हमारे जो साथ में पढ़ते थे हम लोग। और तब वहाँ से ना चाचा जी मेरे लिए वो भेजते थे, ये टिंड फूड, टिंड फूड में अब मुझे याद है पाइनएप्पल, गुआवा और बटर जैम, ये तो बहुत आता था, और मेरा बॉक्स हमेशा भरा रहता था, बॉक्स में रखते थे। तो पीटर सिल्टन मेरा फेवरेट हुआ करता था उस टाइम, गोलकीपर मैं, क्योंकि हॉस्टल टीम के लिए गोल कीपिंग करता था जूनियर्स के लिए, और हारने की हमें परमिशन नहीं थी भैया लोगों से भी, अगर हार गए तो भैया फिर सुतान होता तगड़ा वाला। तो तब से वो टसन और वो सब चीज़ें सीखते थे हम। फिर वो हॉस्ट पिकनिक, स्कूल पिकनिक जाते थे, आदि पत्ता लेने जाते थे, उसमें खाना और सारे सियांग नदी के किनारे, है ना, और बहुत बहुत मज़ेदार बड़े किस्से थे। मछली पकड़ने जाते थे मच्छरदानी लेके, यानी कि मॉस्किटो नेट लेके, उसमें फंसाना, नीचे नाला था। छुट्टियां जो होती थी ना विंटर ब्रेक, वो बड़े गजब के होते थे क्योंकि घर तो जाते नहीं थे और उसके बाद वहीं पे रहते थे। फिर मैथ्यू सर जब आए तो रैन एंड मार्टिन की जो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर थी, अब भी याद है, मैथ्यू सर, साइमन मैथ्यू, तो वो सारे सब लोग, मतलब एक अलग ही माहौल था, अलग वो था वहाँ पर। चाहे वो छुट्टी के दिन में यूँ ही घूमना हो, छोटे थे ज़्यादा बाहर तो जाते नहीं थे, फिर चाहे कहीं भी जाना हो इधर उधर, तो वो जो दिन थे वो अरुणाचल के दिन, वो बड़े गजब थे, बड़े गजब थे। नाइट सुपर से आना जाना स्टीमर का, और फिर उसके बाद में जब भी वापस जाते थे तो एक दूसरे का घी और ये सब सब एक दूसरे के से बांटना। तो बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ उस टाइम में आपको पता है कि बहुत संतरे खरीदते थे, संतरे 1 रुपए में भाई 8 संतरे, फिर 6, फिर 4, ऐसे करके मिलते थे संतरे, खूब खूब खाते थे। वो बेचने के लिए आती थी पीछे ढोकों में लेके, और हम लोग खरीदते थे छुट्टियों में, जब छुट्टियाँ होती थी बैठे रहते थे वहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर एक ऑर्केस्ट्रा था जो आसाम राइफल्स का, उसको देखना, या फिर छेत्री अंकल की वो ड्राइंग, सब कुछ, और उनका फुटबॉल रोज़ ला के, कभी ग्लव्स लेके बॉक्सिंग कराना हमको, कभी हॉकी स्टिक पकड़ा देना, कभी कुछ कभी कुछ, वो परेड की धुन, वो मार्च पास, सब कुछ तो वहीं सीखा, सब बहुत मज़े के, बहुत मज़े के। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ की, और बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी, थी वहाँ पे। बहुत लंबा समय हो जाता है, बहुत लंबा समय लगता है ये सब चीज़ें बताने में, लेकिन जितना भी जो भी अब भी है, अब भी सारे कांटेक्ट में है, चाहे इंदु हो, चाहे नंदी दीदी हो, हरीश भैया हो, जया हो, मोपे हो, सारे लोग अभी भी हैं हम लोग साथ में, सुने, प्रेम भैया, सब लोग हैं, तो वो सारी चीज़ें चलते रहते हैं। जब कभी मिले, चाहे तिवारी अंकल हो, जब कभी मिले तो पुरानी बातें हो ही जाती हैं।
चलिए आज फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ मैंने वहाँ रह के पढ़ा, और उसके बाद में वहाँ से आने की भी तैयारी चलने लगी, यानी कि वहाँ से दोबारा मोहनबाड़ी आने की। हॉस्टल छूट रहा था और मैं वापस आ रहा था फिर से इधर मोहनबाड़ी की तरफ को, मोहनबाड़ी आसाम की तरफ को, डिब्रूगढ़ की तरफ को। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में आपसे, और अपनी जुबानी अपनी कहानी कह रहा हूँ, कोशिश यही है कि सत्य रखूँ, पूरा सच रखूँ। चलिए फिर मुलाकात होती है आपसे।